दिलीप जी है। अच्छा दिलीप जी, आपकी हम नाड़ी देखते हैं, ठीक है जी सर, थोड़ा सा इधर खिसक जाएंगे। दिलीप जी आपकी जो है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो पित्त है उसके प्रवाह में कहीं ना कहीं अवरोध है, या तो आपका गॉल ब्लैडर निकाला हुआ है, गॉल ब्लैडर रिमूवल किया हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि फैट के डाइजेशन में कुछ कुछ समस्या आ रही है, ऐसा है क्या सर? बिल्कुल सही बात है, 10 साल पहले मेरा गॉल ब्लैडर निकाला गया। देखिए मैंने नाड़ी देखी और मैंने कुछ भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं दिखा इनका, ये आए हैं और इनसे सीधा मैंने गॉल ब्लैडर पल्स देखा है और मैंने सीधा सीधा इनसे सवाल पूछा है कि आपका गॉल ब्लैडर रिमूव किया हुआ है क्या, तो ये बता रहे हैं गॉल ब्लैडर रिमूव किया हुआ है। मैंने कुछ आपसे कुछ भी तो नहीं, आपसे जांच की रिपोर्ट मांगी ना? नहीं नहीं कुछ भी नहीं मांगी, कोई बात नहीं, केवल नाड़ी देखी ना मैंने। तो देखिए नाड़ी देख करके इवन अभी इनकी मैडम का भी हमने नाड़ी देखा है, नाड़ी देख करके आप इवन ऑर्गन्स तक के बारे में बता सकते हैं और सिंपल फंडामेंटल प्रिंसिपल को देख करके आप नाड़ी में गॉल ब्लैडर, लिवर, लंग्स, कोलोन इन सब के बारे में बता सकते हैं। तो बार बार मैं कहता हूँ आयुर्वेद के वैद्यों को कि आपको नाड़ी परीक्षा, नाड़ी विद्या सीखनी चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू।